हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल ने के दामों ने आसमान को छू रखा है, और मेरे पास इस समय है एक्टिवा 5G स्कूटी, जो इस समय इसका एवरेज मुझे लग रहा है काफ़ी कम हो गया है। काफ़ी समय से मेरे एक साल कम से कम हो गया, स्कूटी की सर्विस भी नहीं हुई है। तो मैं आज आया हूँ अपनी एक्टिवा 5G स्कूटी की सर्विस कराने। ये वीडियो टोटल इसी के बारे में होगी और आपके फ़ायदे के बारे में होगी, और आज मैं इसी सर्विस के दौरान इसका एवरेज भी बढ़वाऊँगा। मैंने मिस्त्री साहब आदिल भाई से बात करी थी, तो ये मुझे आप मेरी एक्टिवा की सर्विस करते करते इसका एवरेज भी बढ़ा के देंगे। तो वीडियो में बने रहो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपकी काम की होगी, इसको वीडियो को पूरा देख कर जाएँ। सबसे पहला पार्ट जो है, मिस्त्री साहब ने जो हमारा एक साल पहले ऑयल पड़ा था तो वो निकाल दिया। ये देखिए, पूरी तरह से ऑयल निकल गया। मिस्त्री साहब, मुझे बताइए ऑयल की कंडीशन इस समय कैसी है? ऐसी है, अभी अगर आप 1000 किलोमीटर चलाना चाहें तो चल सकता है। चल सकता है, यानी कि अच्छा, अभी भी परफॉर्मेंस बढ़िया था, लेकिन मैं एवरेज की वजह से मुझे ये एक्टिवा की सर्विस करानी पड़ रही है। और मैं बता दूं, मेरी एक्टिवा 15,067 किलोमीटर चल चुकी है, और मैंने जो सर्विस कराई थी इसकी 10,400 कुछ पे कराई थी, और मैंने अप्रॉक्स 4,250 किलोमीटर इस स्कूटी को चला लिया है, और मुझे कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे एक्टिवा की सर्विस कराने का मतलब मन कर रहा है। बिल्कुल सही स्मूथ गाड़ी चल रही थी, लेकिन एवरेज की वजह से मैंने सोचा इसकी सर्विस करा लूं, और मैं वही इसीलिए आया हूं, डिटेल वीडियो दूंगा किस तरह से सर्विस होती है, कैसे एवरेज बढ़ता है। मैं बार बार आपको ये वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, एवरेज बढ़वाने के लिए मैं स्पेशली यहाँ पर आया हूँ अपनी स्कूटी का। तो 40 से 45 या 50 तक इसका एवरेज कर देंगे ये। तो ये हमारे मिस्त्री साहब ने इसका एयर फिल्टर खोल दिया है, और देखते हैं इसकी कंडीशन कैसी है एयर फिल्टर की। और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि इसको साफ ना करें, जब भी आप सर्विस कराएं तो इसको चेंज कर लें, पूरी तरह से लिखा हुआ है, इसका हिंदी का मैंने बता दिया है। और ये इसकी स्थिति है, काफ़ी गंदा हो गया है। देखिए अंदर का पोर्शन इसका एयर फिल्टर का कितना क्लीन होता है, आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर अंदर ही गंदगी हो जाएगी तो इंजन में भी गंदगी पहुँचने का डर लगा रहता है, इसलिए एयर फिल्टर ये लगाया जाता है ताकि इंजन को हवा मिल सके और वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। देखिए दोस्तों, ये है पुराना वाला एयर फिल्टर और ये है नया वाला एयर फिल्टर। इसको मैं पढ़वाऊंगा, क्योंकि साफ साफ कंपनी के इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि नया ही पढ़वाएं, इसलिए मैंने इसको नया पढ़वाने का निर्णय लिया है। अब भैया डाल दीजिए इसको, ये इस तरह से लगता है, इन्होंने लगा दिया, और ये बॉक्स ऊपर से ये लगा दिया है। और जो मैं बोल रहा था ना, इसमें ये लिखा है, डू नॉट क्लीन एयर फिल्टर, रिप्लेस इट अकॉर्डिंग टू द मेंटेनेंस शेड्यूल। जिस तरह से आपके सर्विस का शेड्यूल है, इसको चेंज ही कर दें, साफ ना करवाएं। बहुत से लोग साफ करवा लेते हैं बजट के कारण, और ये नहीं सोचते कि अगर उनका थोड़ा सा पैसा बचेगा लेकिन इंजन पे उसका कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा, आपका इंजन भी ख़राब हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप अलीगढ़ या अलीगढ़ के आसपास क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और आपको अगर हमारे मिस्त्री साहब से एक सेटिस्फैक्ट्री सर्विस करानी है, तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। इनकी दुकान का जो एड्रेस है वो उन्नति मोटर्स ऑटोमोटर सेंटर है, और यह है एटा बाईपास रोड पे, सामने कुलदीप बिहार एक जगह पड़ती है वहाँ पर है, और सामने बिजली घर है, बिजली घर के जस्ट सामने ये उन्नति ऑटोमोटर्स, और इनका फ़ोन नंबर भी है, आप इनको फ़ोन करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको फ़ोन करके इनकी दुकान पर विज़िट कर सकते हैं, और सेटिस्फैक्ट्री उचित दामों पर यहाँ पर सर्विस करा सकते हैं अगर आप अलीगढ़ से हैं, अलीगढ़ के आसपास क्षेत्र से हैं। दोस्तों, ये वाला पार्ट जो होता है एक्टिवा का, ये है इसका क्लच का पार्ट, और ये है हमारा क्लच, ये होता है ऑटोमेटिक, जो इसमें गियर तो होते नहीं है, और ऑटोमेटिक इसका क्लच, और ये घूमता रहता है और स्कूटी अपनी स्पीड पकड़ती रहती है। तो इसकी भी सफाई होगी, अब मैं दिखाऊंगा कैसे होगी। देखिए कितना डस्ट है, काफ़ी भारी है, कम से कम 2 किलो का होगा। ये क्लच कवर है जो यहाँ लगाया जाता है, और इसमें काफ़ी डस्ट बढ़ गई, धूल बढ़ गई, तो ये साफ़ करेंगे फिर इसको लगाएंगे, और इसकी भी सफाई होगी, अभी दिखाते रहूँगा मैं आपको। ये देखिए क्लच शू कैसे खुलता है, आप ये भी देख सकते हैं, इसका क्लच शू खुलकर इसकी सफाई होगी, क्योंकि जब मैं एक्टिवा को उठाता हूँ ना, तो एक हल्की सी एक झटके के साथ ये उठती है, स्मूथनेस ख़त्म हो गई, तो इसका जो क्लच का वो होती है स्मूथनेस वो चली जाती है। इसको उसको साफ़ करेंगे, ये देखिए कितना गंदा हो गया है, इसको साफ़ करेंगे, ये वहाँ से, ये आपने देखा होगा कि ब्रेक शू जो होता है हमारे गाड़ियों का, उसी तरह से ये बना हुआ है, इसको साफ़ करके लगाएंगे, जिससे कि मेरी गाड़ी की स्मूथनेस बनी रहेगी। देखिए कितना डस्ट है, ये देखिए कितनी डस्ट निकली इसमें से, ये देखिए इसको साफ़ करके लगाएंगे, आप देखिए पूरी तरह से सर्विस दिखा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को यार लाइक कर देना यार, देखो इन्होंने ये रबड़ भी निकाल ली है इसकी। ओहो, ये तो सच में बहुत बढ़िया सर्विस कर रहे हैं हमारी, और अगर आप अलीगढ़ के क्षेत्र के आसपास हैं तो ज़रूर यहाँ सर्विस कराएं, और सच में इसी तरह से सर्विस होगी और आप पूरी तरह संतुष्ट होकर यहाँ से जाएंगे। दोस्तों, जिस तरह से ये आपको दिख रहा है, ये आपका ये इंजन है,
और यहाँ पर क्लच लग का ये चैम्बर कहलाता है। आप देखिए कितनी धूल भर गई है जिसकी वजह से गाड़ी की स्पीड में, एवरेज में, काफ़ी चीज़ों में दिक्कतें आती हैं। और हमारे ये मिस्त्री साहब जो हैं, मिस्टर आदिल अंसारी साहब, इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर रहे हैं और बहुत संतुष्ट करते हैं अपने कस्टमर को सफाई करके, सर्विस करके। सच में रियली मैं तो बहुत संतुष्ट होता हूँ। और आप भी देखते रहिए, आप भी अगर अदर सिटीज़ में हैं तो आप अपने मिस्त्री से बोल सकते हैं कि आप हमारा जो चैम्बर होता है आपका, ये वाला क्लच वाला चैम्बर, इसको भी साफ़ करवाइए। बहुत मिस्त्री नहीं करते हैं, उल्टी सीधी सर्विस करी, इंजन ऑयल चेंज किया, फिल्टर चेंज किया और आपको घर को रवाना कर देते हैं। पर इस तरह से ज़रूर करवाइए क्योंकि आपकी गाड़ी की इससे लाइफ बढ़ती है। फ्रेंड्स, बहुत इन्फॉर्मेटिव आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। आखिर ये यहाँ पर जो डस्ट है ये आई कहाँ से, मैं आपको बताऊँगा। मिस्टर साहब ने मुझे बताया अभी अभी कि यहाँ पर दो छेद होते हैं, यहाँ से हवा घुसती है और इस पाइप के द्वारा इसमें आती है ये हवा, फिर ये हवा इस पंखे पर टकराती है और ये पंखा चलता है। पता है ये कैबिनेट इतना गर्म होता है कि आप इस पर अगर चलती स्कूटी पे उंगली रख लेंगे तो आपकी उंगली जल जाएगी। तो ये तापमान को, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है ये फ़ैन, इसी कारण इसमें धूल घुस जाती है। और जिसको ये मिस्टर साहब ने बिल्कुल क्लीन कर दिया, आप देखिए ऐसा लग रहा है कि न्यू स्कूटी है। तो ये जानकारी शायद आपको कहीं नहीं मिल पाए एक्टिवा के बारे में। हमारे लंग साफ़ हो चुके हैं और किडनी भी, सॉरी एयर फिल्टर साफ़ हो चुका है और ये आप कह सकते हैं एक्टिवा किडनी, यानी कि क्लच शू, ये क्लच शू साफ़ हो चुका है। अब इसको फिट कर रहे हैं और उसके बाद देखते हैं कौन सा प्रोसेस होगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्कूटी में इंजन ऑयल पड़ना। तो देखिए इस तरह से पड़ रहा है, कैस्ट्रॉल का पड़वाता हूँ मैं हर बार में, क्योंकि यार इस पर भरोसा है, बहुत अच्छा एवरेज देता है। मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन होता है। और इन लोगों ने एक अजीब सी चोंच लगा रखी है, आप देखिए ये आराम से तेल पड़ रहा है इसमें। और कितना पड़ता है मिस्टर साहब इसमें तेल? 800 ml तेल है और देखिए इसमें 800 ml तेल आता है और ये पूरा का पूरा इसमें डाल रहे हैं ताकि हमारी गाड़ी अच्छे से स्मूथ से चल रखे और एवरेज भी अच्छे दे सके। एक बात और मैं बता दूं, इस इंजन ऑयल के साथ ये आपका गियर ऑयल इसके साथ फ्री आता है, तो मैं भी अपनी स्कूटी में ये पड़वाऊँगा स्कूटर गियर ऑयल। इससे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा स्कूटी में और पड़ना चाहिए। कितनी हज़ार सर्विस पर पड़ना चाहिए ये? कम से कम 15,000 के बाद पड़ेगा। 15,000 में से साहब बता रहे, 15,000 पे ये पड़ना चाहिए और पड़वाएंगे। चलिए दोस्तों, आपने इंजन ऑयल तो सुना होगा पर यहाँ होता है इसका गियर ऑयल। अब इसमें से निकलेगा हल्के हल्के करके और ये अभी नया भी पड़ेगा। पहले मैं दिखा दूँ पुराना निकलता है कैसा लगता है। देखिए ये स्कूटी के साथ ही आया था, इसकी क्षमता ख़त्म हो गई है मिस्त्री साहब। बिल्कुल साहब, इसकी बिल्कुल क्षमता ख़त्म हो गई है और अब ये नया पड़ेगा इसमें। और बता रहे हैं कभी ख़राब नहीं होता, लेकिन मैं अपनी चुल के लिए डलवा ले रहा हूँ नया, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है नहीं होती है। ये देखिए इन्होंने सिलसिला स्टार्ट कर दिया है गियर ऑयल डालने का और पूरा 120 ml इसके अंदर पड़ता है और ये डाल रहे हैं अब, और ताकि हमारा जो गियर पड़ने का जो सिस्टम है बहुत अच्छे स्मूथ से गियर पड़ने लगे। और देखिए पॉइंट पिन कर रहे हैं 120 ml, इसमें भी 120 ml और यहाँ पर भी 120 ml लिखा हुआ है, तो 120 ml पड़ता है इसमें और गाड़ी की लाइफ अच्छी होगी, इसलिए मैंने इसको पड़वाया। नेक्स्ट स्टेप इसकी एक्सेलेटर की ऑयलिंग हो रही है और ज़्यादातर सर्विस वाले नहीं करते, तो आप अपने सर्विस वाले से ज़रूर कहें कि हमने एक वीडियो देखी थी उसमें तो हो रही है, और आप भी अपने एक्सेलेटर की ऑयलिंग करवाएं। इससे आपका एक्सेलेटर स्मूथ चलेगा और स्पीड में भी आप देखेंगे कि स्पीड आपकी अच्छी पकड़ेगी गाड़ी। ये देखिए पूरी इसका आगे का टापा जो है वो खुला हुआ है और ये एक्सेलेटर की ऑयलिंग कर रहे हैं मिस्टर साहब। एक्टिवा के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, आप जब जिस तरह से ये देख रहे हैं ये लाइट वाला पोर्शन है जो रात में जलता है। तो मैंने एक बार मिस्टर साहब से बोला, मिस्टर साहब अगर इसका बल्ब फूक जाए तो कितने रुपए का पड़ता है? तो आप शॉकिंग सच में हो जाएंगे कि इसका अगर कोई बल्ब वगैरह नहीं होता है, अगर ख़राब हो जाता है ये पोर्शन, तो ये पूरा पोर्शन चेंज होता है और ये मार्केट में 2700 रुपये का मिलता है। तो इसलिए केयरफुल्ली से चलाएं अपनी गाड़ी भैया, इसका बहुत महंगा पार्ट है, ये वाला पोर्शन काफ़ी महंगा है इसका। नेक्स्ट स्टेप है इसका प्लग, सफाई हो रही है इसके प्लग की और अब इसी से पता चलेगा ये मेरी गाड़ी एवरेज अच्छा दे रही है या बुरा दे रही है। ये खोल रहे हैं इस समय, देखिए ये है प्लग की स्थिति। हाँ मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो मिस्त्री साहब बताइए इसका एवरेज कैसा है? इसका 25 का 30 का एवरेज बता रहे हैं और यही आपका सब्र का इंतजार ख़त्म होने वाला है और इसका ये एवरेज बढ़ाएंगे। नेक्स्ट टाइम मैं बताऊँगा कैसे बढ़ेगा, इनके पास ऐसी चीज़ है ये सच में 50 का एवरेज कर देंगे मेरी इस एक्टिवा स्कूटी का। फिर इस बढ़ते हुए दाम में, पेट्रोल के दाम में, मैं आराम से स्कूटी को चला पाऊँगा। तो वीडियो में अभी बने रहें, वीडियो का लाइक कर दो यार,
लाइक करने से ना मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके कुछ अगर आपको कन्फ्यूज़न है और कैसी वीडियो लगी है, जानकारी लगी है तो नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इनको इनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, एड्रेस भी दे दूंगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिस्त्री साहब प्लग को आरी से काट रहे हैं, सॉरी काट नहीं रहे, इसको साफ़ कर रहे हैं, शार्प कर रहे हैं ताकि इसमें स्पार्किंग अच्छे से हो सके। रेग माल से कर चुके हैं और ये आरी टाइप का कुछ है, इनके ब्लेड टाइप का, उससे साफ़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स एवरेज की क्लिप दिखाने से पहले मैं ये पार्ट ज़रूर कवर करूँगा, ये मैंने यहाँ पर इंडिकेटर बजर लगाया, देखिए आपको आवाज़ भी आ रही होगी। सच में गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप अपनी या तो आपके पास बाइक हो या स्कूटी हो या आप उसमें ज़रूर लगाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारा इंडिकेटर ऑन रह जाता है और हमें पता नहीं चलता, हम लोग हमारी ज़्यादातर नज़रें सामने होती है और इंडिकेशन या इंडिकेटर का यहाँ आता है तो हमें पता नहीं चल पाता है और यहाँ एक्सीडेंट होने के चांस भी हो सकते हैं। इंडिकेटर बजर से ये पता चल जाता है कि हमारा इंडिकेटर ऑन है या ऑफ है, तो इसलिए इस इंडिकेटर बजर को आप अपनी गाड़ियों में ज़रूर लगाएं। ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, फॉर इंफॉर्मेशन मैसेज है, आप इसको ज़रूर लगाएं। अब नेक्स्ट पार्ट हम दिखाने जा रहे हैं कि हमारी स्कूटी का एवरेज कैसे बढ़ेगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों अब वो घड़ी आ चुकी है कि हम देखेंगे कि हमारी स्कूटी का यानी कि कोई भी स्कूटी है उसका एवरेज कैसे बढ़ता है, और मैं इसको पूरी तरह से तो नहीं दिखा पाऊंगा, मिस्त्री साहब ने मना किया है। इस समय ये एवरेज चेक कर रहे हैं हमारा, ये इंजन की ट्यूनिंग चेक कर रहे हैं, फिर इसका एवरेज बढ़ाएंगे। दोस्तों ये कोई पार्ट नहीं लगाएंगे एवरेज बढ़ाने का, असल में हाथों की एक सेटिंग होती है जिससे ये एवरेज बढ़ा देंगे, और सच में और इन्होंने गारंटी ली है कि एवरेज ये 50 करके देंगे और हम लोग नापेंगे भी इसका एवरेज। ये देखिए ये बढ़ा रहे हैं, देखिए। वीडियो को लाइक कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए वीडियो, और मेरी स्कूटी की मोस्टली सर्विस हो चुकी है तो आप देखिए ये किस थे, इन्होंने पहिया घुमा रखा है क्योंकि इन लोगों ने अभी इंजन ऑयल भी डाला था इसलिए पहिया घुमा रखा है। आपको मैं इस साइड से दिखाऊं एवरेज के लिए क्या करते हैं, ये बोल से कुछ सेटिंग कर रहे हैं, इन नंबरों की सेटिंग के अकॉर्डिंगली एवरेज सेट होता है गाड़ी का, ये यहाँ से कर रहे हैं, देखिए कि इंजन में कितना तेल जाना चाहिए, कितना पहुँच रहा है, ये सब इनकी ट्यूनिंग अपने हाथों की सेटिंग होती है, क्योंकि ये नंबर्स का खेल है दोस्तों, ये हम नहीं जान पाएंगे, ये सिर्फ़ एक मिस्त्री ही जान पाएगा, ऑटो मैकेनिक जो है वो ही जान पाएगा। और मेरी गाड़ी का एवरेज अब अच्छा हो जाएगा, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ आज की सर्विस से। फ्रेंड्स हमारी ये स्कूटी की सर्विस हो चुकी है, अब मैं ट्रायल लेने के लिए जा रहा हूँ कि कैसी चल रही है, तो बहुत अच्छी साउंड में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया, और जो उठने में जो एक मतलब घरघराहट हो रही थी और अटक अटक के उठ रही थी वो चीज़ भी ख़त्म हो गई। इसके जो गोल गोल पार्ट था कौन सा था मैं तो नाम भी भूल गया, अब मैं चला कर आता हूँ, कैसी लग रही है मैं बताऊँगा पूरा रिव्यू। दोस्तों सच में रियली आप यकीन नहीं मानेंगे, एक नई एक्टिवा भी ऐसी नहीं चलेगी जिस तरह से ये चल रही है, इतनी बढ़िया चल रही है, मक्खन स्मूथ, काफ़ी अच्छी सर्विस करी है सच में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी आपके लिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, और मैंने इनका नंबर डाल दिया तो जो भी कोई इंक्वायरी है तो भैया आदिल भाई से हमारे पूछ लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।